ले जी, ईद का दिन शुरू हो गया है और आपको जो मस्जिद से आवाज़ आ रही है ये हो रही है जी ईद नमाज की माशाल्लाह से। और ये देखें जी मेरी शॉपिंग वाली वीडियो, अगर आपने नहीं देखी है तो जाएं और देखें। और ये देखें, आहा, आपके बाजी ने मेहंदी भी लगवा ली है, चांद रात फुल टाइम हमने मनाई है। ये देखें जी पता नहीं मियाँ जी को कहाँ से शौक चढ़ा हुआ था मेहंदी का। तो ये खूबसूरत सा प्यारा सा पिंक कलर का ड्रेस, ऑरेंज कलर का ट्राउज़र, और ये जी मैंने लिया था अल करम से, मैक से, ठीक है। और ये मेरे लाडो के हैं प्यारे से जूते, और ये मेरी प्रिंसेस का दुपट्टा, और ये जी इसने स्पेशली अपने पापा से कह के अपने साइज़ के जो है ना दो गजरे मंगवाए थे, और ये जी इसकी नानो लेकर आई हैं। अभी इसकी एक और बैंगल है वो देखते हैं, और ये जी इसके नेकलेस और ये पिन्स, और ये जी इसने टॉप्स भी लिए हैं, और ये है बैग, इसमें है इसकी ग्लासेस, और ये है मेरी प्रिंसेस की ईद की तैयारियां। ये है जी हमारा मॉर्निंग वाला ड्रेस जो कि हमने ईद नमाज पढ़ के पहनना है, उसके बाद जी हम आपको अपना इवनिंग वाला भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें, ये सारी चीज़ें इसने अपनी खुद सेट की हैं। और ये देखें जी, ये मैंने भी अलकरम से शर्ट ली थी, ये ट्राउज़र अम्मी ने सिलाई किए हैं, ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ना ये दुपट्टा है, ठीक हो गया। और ये देखें, आज मामा और जो बेटी है ना वो ट्विनिंग करने वाले हैं, ठीक है। हम आपको जो है वो रेडी शेडी होके ट्विन्स बन गए, हम रेडी शेडी होके आप लोगों को मिलते हैं। मियाँ जी और अहमद जो है वो नमाज पढ़ने चले गए हैं, और आपकी बाजी जो है वो सारी रात नहीं सोई है, ठीक है, व्लॉग एडिट करती रही है। और आप लोगों तक मैंने कहा कि अपनी तैयारियां चांद रात की और शॉपिंग इकट्ठी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जाएं और मेरे चैनल पर जाकर देखें, ठीक है। तो ये मैं आपको रेडी होके मिलती हूँ, ठीक है। तो जी आप सबको मेरी तरफ़ से 2024 की ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप लोगों ने मेरी आज की सुबह की वीडियो देख ली थी चांद रात, जिसमें शॉपिंग सब कुछ मैंने मिक्स करके एक के वीडियो बना के मैं दिखाती है। वेखो हूँ तुम अपनी बाजी दे एक्शन वेखो, मेहंदी असी लवा ली, गजरे असी पा ले, और ये देखे जी आपकी बाजी तहमीना जीशान दी बेस्ट विलोगर कैसे टना टन रेडी शेडी हो के तो देखें खड़ी हुई थी। और ले जी हमें जो सुबह सुबह मॉर्निंग में अपनी ईदी के सूरत में मिला है, क्या सरप्राइज़। अब इसकी जो कंप्लीट स्टोरी है ना वो आपको मिलेगी मेरी शॉपिंग वाली वीडियो में, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाएं मेरी वो वीडियो देखें, आपको उसके अंदर इस बुके की स्टोरी सारी की सारी मिलेगी, और फिर आपको समझ आएगा कि मैंने ये छोटा सा जो क्लिप था वो मैंने अभी वीडियो में क्यों ऐड किया है। बाकी थैंक यू सो मच मियाँ जी, बड़ा ही ज़बरदस्त सरप्राइज था। और ये देखे मेरे नन्हे मुन्ने से दो, सबको 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 ईद मुबारक। मैंने और ईशा फातिमा ने आज हम दोनों ने माशाल्लाह से ट्विनिंग की थी, और दूसरी साइड पर यहाँ पर ट्विनिंग कर रहे थे मियाँ जी और अहमद। हम लोग जी इसी तरह से मोस्टली हमारी कोशिश ये होती है कि जो फर्स्ट डे की जो हमारी ड्रेसिंग होती है ना, पहले हम लोग चारों की सेम होती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ना तो यहाँ शान साहब की और ऋषल की सेम होने लग गई, फिर यहाँ फिर अहमद की और मेरी, हम मतलब इस तरह करके हम लोग कर लिया करते थे। एक ना पूरा पैकेज हम लोग बना लेते होते हैं जो कि अच्छा लगता है देखने वाले को भी, कलरफुल सा ना अच्छा लगता है। चलें जी, उसके बाद ये मेरी बेटी एक्शन मारते हुए कहती, मम्मा आपने मेरी आज वीडियो नहीं बनाई है। हम लोग तो जी जैसे ही चाचू की तरफ से आए और कब्रिस्तान से होकर आए, मैं कहनी हाँ जेड़ा सुत्ते आपने पुरानी वीडियो में देख लिया होगा कि कैसे सुबह 7 बजे तक सारी रात आपकी बाजी बाजारों में फिरती रही है चांद रात की, आपको रोन के दिखाती रही है। तो सुबह जो है उसको बड़ी नींद आई, ऐसी वैसी नींद आई, बड़ी नींद आई। हम लोग 10:30-11 बजे घर आए, घर आके तो हम लोग जी टन करके जो थे ना वो सो गए, हो गए हम लोग।
फिर जी शाम हुई, शाम हो गई 3-4 बजे के टाइम पे हमारी आंख खुली। ये देखे जी मेरी प्यारी सी लड्डो, ईद वाले दिन कितनी खूबसूरत लगली है। एनक लगा के दिखाओ। और ये मेरी छोटी वाली लाडो, ये मेरी सती वाली लाडो, बहुत पाले लगला मेरा काका। और जी मेरी एनक वाली आपा, अब ये जी ड्रेस चेंज कर। हीरो इधर आ, हीरो 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 हीरो, ये हीरो है। हीरो के जूते तो देखे, ओ लड़के गजरा ही नहीं पहनते। ये देखो जरा, इसने इसको गजरा बना दिया। दिखाओ जूता तो दिखाओ, ये अहमद का जूता और ये मेरा अहमद शहजादा। ये देखो अब ईशल फातिमा अपना ड्रेस चेंज करने लगी है। अब फातिमा और ईशल फातिमा दोनों पहनेंगी फ्लॉक। फ्लॉक पहनने लगे हो है फामा? ये लहंगे को फ्रॉक रहती है, फ्रॉक का लहंगा। हाँ चलें जी, अब सुबह वाले कपड़े हमने पहन लिए, अब हम पहनेंगे शाम वाले कपड़े। देखें मैंने और ईशल फातिमा ने आज हमने ट्विनिंग की हुई है, ट्विनिंग। सेम सेम ईशा ने बनाया मुझे बत्ता। हाँ जी जी, फिर लेके चली गई हदी। गाइस ये बहुत ही प्रिटी वाला प्रिंसेस वाला फ्रॉक मेरी शहजादी का, मेरी बड़ी वाली प्रिंसेस का। अम्मी नमाज पढ़ रही हैं, इस वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता व्लॉग बना रहे हैं। अब ये मेरी बेटी जो है ना, इसका ये शाम के इवनिंग वाले कपड़े हैं, ठीक है? क्योंकि हाँ जी आपका भी है उदल, तो शाम को जो हमारी दावत होती है ना, वो बड़े भाई की तरफ होती है। सारे वहाँ पे हम लोग इकट्ठे होते हैं, खाना शाना खाते हैं, तो अब शाम के लिए रेडी होते हैं। फिर आपको मियाँ जी से भी मिलवाते हैं, क्योंकि जी वो सोए हुए थे और अब उठ के फ्रेश हो रहे हैं। मैं भी फ्रेश होने लगी हूँ, अब हम आपको इकट्ठे मिलते हैं, ठीक है? ये देखिए ये मेरी शोनी। चले जब मैं बच्चों को शाम के लिए रेडी करूँ, फिर हमें शाम 6 बजे तक निकलना है। हाँ इसके साथ ये हाई नेक और ये पजामी भी है। और अब मैं शर्फामा को रेडी करने लगी हूँ। आप लोग भी बताएं आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है, आपने ईद पे क्या किया, मीठे में आपने क्या बनाया, मुझे लास्ट में ही बताइएगा। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जी मेरी आज की जितनी भी सारी तैयारियां थी वो मैंने आपको दिखाई है, तो मिस नहीं करनी आपने मेरी कंप्लीट वीडियो देखनी और मेरी आवाज़ पे बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि आपको पता है कि माशाल्लाह से जब रमज़ान गुजरता है तो फिर उसके बाद गले का थोड़ा बहुत सा जो है ना वो काम जो है वो डामाडोल सा होता रहता है। क्योंकि ठंडे पानी पी के, जामेशीरी पी के और लीम पानी पी के, पकौड़े खा कर ना गले का सत्यानाश हो जाता है। तो ले जी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी जो है ड्रेसिंग। ये देखें जी, ये आपकी पाजी ने पहना है पिंक कलर का अलकरम का ड्रेस, ठीक है? और ये दुपट्टा जो था वो मैंने लिया था खाड़ी से। और ये देखें, ये देखें, ये हमने लगाई है मेहंदी और ये हमने पहनी है चूड़ियाँ। मैं कहती हूँ जो छोटी ईद की रौनक होती है ना वो अपनी ही होती है। और इस हैंड में देखें, ये मेरे जो ब्रेसलेट है ये मेरी मम्मा लेके आई थी सऊदीया से, और ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत है। और ये रही मैं आपके सामने, मैंने तो कहा था कि मैं आपको मिलाऊँगी मियाँ जी से, लेकिन जी मियाँ जी जो थे वो जल्दी से निकल गए, क्योंकि उन्होंने जाना था अपने दोस्तों को ईद मिलने के लिए, तो वो चले गए। लेकिन हमने कहा जी हम अपना शूट कैसे भूल सकते हैं। तो ये देखें मेरी मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। ज़रूर कहना आपने मुझे देख के, ठीक है? नज़र नहीं लगा देनी, वो ना हो कि पता चले जी आपने अपनी बाजी को नज़र लगा दी है और आपकी बाजी हो गई है बीमार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो माशाल्लाह लाजमी आपने करना है। तो मैं यहाँ पे आपको बात बताती जाऊँ कि ईद का जो फर्स्ट डे होता है ना, वो लोग हम लोग सारे मिलके अपने इन लॉज में स्पेंड करते हैं। मतलब हम सारे जो है, मेरी दो ननंदे हैं और एक मैंने आपको बताया था मेरा ब्रदर इन लॉ है, तो हम लोग चार जो है ना हम लोग मिलके गैदरिंग करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, खाना शाना बनाते हैं। और मसरूफियात हमारी इसी तरह ही फर्स्ट डे गुजर जाती है। ईद का जो सेकेंड डे होता है ना वो होता है ससुराल डे, जो कि हम लोग जाते हैं अपनी अम्मा जान के घर, मम्मा के घर, अपनी शहजादी मम्मा के घर, वहाँ पे हम लोग जाते हैं और फिर वहाँ पे सेकेंड डे अपना स्पेंड करते हैं। थर्ड डे जो हमारा होता है ना
वो फिर से हमारा गेट टुगेदर का होता है, या फिर हम बच्चों को लेकर बाहर कहीं आउटिंग पे चले जाते हैं। तो इस तरह से हमारे ईद के दिन 3 दिन जो है वो ऐसे गुजरते हैं। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, मेरे व्लॉग को मिस नहीं करना है। मैं आपको अपनी वीडियो में थोड़ा बहुत जो है वो इंटरटेन करती रहूँगी। और ये देखें, ये जो था मैंने कॉर्नर अपना कल जो था वो रेडी किया था यहाँ पे इस तरह से, और ये मैंने अपना जो क्लीन वॉश किया था, देखिए अब कितना ही प्यारा लग रहा है आपकी बाजी की तरह। चलिए जब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बाहर जो है ना वो अंधेरा हो गया हुआ है। तो बस मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के बनी यासीन पढ़ी, और मैंने कहा माशाल्लाह से पूरे रोज़े में हम लोग सारा कुछ पढ़ते हैं, लेकिन ईद वाला दिन आके ना मोस्टली मोस्टली जो है ना वो भूल जाते हैं। तो ये देखिए आपके बच्चे ने नेल पेंट भी इस वजह से नहीं लगाई थी, क्योंकि मैंने पढ़नी थी नमाज़। तो चले जी, मगरिब की नमाज़ हो गई है, नमाज़ हमने पढ़ ली है। अब जो है ना थोड़ा सा मेकअप करते हैं मेकअप करके तो थोड़ा रेडी शेडी होकर फिर निकलते हैं। आप लोग मेरे टिकटॉक को भी फॉलो कर ले तहमीना ज़ीशान लाइफस्टाइल, और मेरे इंस्टा को भी फॉलो कर ले तहमीना ज़ीशान लाइफस्टाइल, और यूट्यूब चैनल को मिस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जी जितनी मैंने पीछे अपनी मसरूफियात थी ना वो सारी ख़त्म कर दी है। अब जी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मज़े मज़े से व्लॉग लेकर आती रहूँगी, अपनी अपनी डेली रूटीन, अपनी ईद, अपना सब कुछ जो है, जितनी भी मेरी मतलब ईद रूटीन्स हैं, मेरी डेली की रूटीन्स हैं, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो मिस बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। चले अब निकलते हैं वहाँ पे चल के, फिर मैं आपको मिलूँगी। अब पता नहीं वहाँ पे कितना व्लॉग शूट होगा या नहीं होगा, इस वजह से मैंने आपके साथ सारी यही बातें कर ली हैं। हाँ जी, मुझे पता है आप लोग भी मियाँ जी को मिस कर रहे होंगे, क्योंकि हमने आज उनके साथ व्लॉग ही नहीं शूट किया। जाहिर सी बात है, ईद है, उन्होंने भी तो जाना था ना अपने दोस्तों में मिलने के लिए। अब सुबह से तो वो कभी किसको, कभी किसको, कभी किसकी तरफ, क्योंकि वो पहले अपने अब्बू की जो है वो कब्र पे जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ पे जो है वो अपना आधा दिन जितना भी उनका होता है, क्योंकि पास उनके चाचू का घर है, वो वहाँ पे भी चले जाते हैं। लेकिन आज मैं भी उनके साथ गई थी, तो बस आधा दिन जो था ना वो हमारा ऐसे ही गुजर गया। जब ऐसे ही अब्बू का नाम आता है तो थोड़ी सी भर आती है, क्योंकि वो मैं कहती हूँ जन्नती बंदे थे, जन्नती जो थे ना। कभी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी उनकी सारी लाइफ जर्नी जो मैंने उनके साथ स्पेंड की है। मैंने उनके साथ तकरीबन 7 साल जो थे ना वो मैंने उनके साथ स्पेंड किया, 6 से 7 साल मैंने उनके साथ स्पेंड किए अपनी शादी के। तो बहुत नाइस थे, बहुत ही ज़्यादा वो नाइस थे। चले जी अब ईद के दिन रोना धोना नहीं, अब थोड़ा रेडी होते हैं तो फिर निकलते हैं, ठीक है। के साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती थी, वो ये है कि आप मेरे जो घर के मेस है ना उस पर ना जाया करें, क्योंकि जी मैं आपको बताऊं, मेरे पास अभी फिल वक्त यहाँ पे ना अलमारी कबर्ड जो है ना वो नहीं है। मैंने किलियों पे जो है वो कपड़े वगैरह हैंग किए होते हैं, और अभी ये देखें हमारे दरवाजे भी नहीं हैं, जिसकी वजह से मैंने पर्दे लगाए हुए हैं। कलरफुल से जो है वो थोड़ा कॉम्बिनेशन होता है। तो आप अल्लाह से ज़्यादा दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मुझे इतना दे दे कि मैं अपने घर को अच्छा सा प्यारा सा रेनोवेट करूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ मेरे इस थोड़े से कंसर्न को इग्नोर कर दिया करें, थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करें, इंशाल्लाह हम इस घर को अच्छा घर बना लेंगे। मामा जान, आहा इसे ना घूमो ना, मानो खड़ी हो या अभी सीधे खड़े हो। अच्छा ईद मुबारक बोलो। ईद मुबारक। अब ये नया वो देखो अजलान, हाँ आपको मैंने उस दिन भी लिया था ना, फिर बोलो ओए। ले जी भाभी ने बड़े मज़ेदार से जो थे ना वो खाबे जो थे ना वो रेडी किए हुए थे, जहाँ पे इन्होंने ये बोनलेस जो थी ना वो हांडी कढ़ाई जो थी वो रेडी की थी, साथ में आलू चिकन के कटलेट थे, साथ में जी बिरयानी थी, कोफ्ते थे, सैलड था, रायता था, नान थे, आहा बोतलें थी। मैं कहती हूँ मज़ा आ गया। और जिस मीठे में जो था वो फिरनी थी, बहुत ही ज़्यादा हमने इंजॉय किया। हमारा जो ईद का फर्स्ट डे होता है ना, इसी तरह भाई की तरफ दावत होती है,
और हम सारे जो है ना वहीं पे इकट्ठे होते हैं, खाना शाना खाते हैं और इसी तरह से हर ईद पे भाभी जो है ना मज़े मज़े के खाने बनाती हैं। और जी हमें फिर अगली ईद का इंतज़ार करना पड़ता है जी, कब आगे फिर ईद आएगी और कब फिर हमारी ऐसी वाली जो है ये बिल्डिंग है, देखो इसका कलर पीला है, तो बच्चों को बांटे तो कलर और था। ये मेरी दी है, बड़े पापा ने दी है। सारे पापा ने सिर्फ 20 रुपए दिए हैं।